नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लता है। आज मैं आपको प्रथम कक्षा की अंग्रेजी विषय में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में मीनिंग सिखाऊंगी। इसके लिए पहले हम ए से ई तक वर्तनी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर ए की स्पेलिंग पढ़ेंगे। इंग्लिश में चार लाइन होती है, इसमें हम सबसे ऊपर की तीन लाइन में स्पेलिंग लिखेंगे। कैपिटल लेटर ए, डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल यानी सेब। ए एक्स ई, एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी। अब हम स्मॉल लेटर ए की स्पेलिंग पढ़ेंगे। स्मॉल लेटर ए की स्मॉल लेटर्स इन चार लाइनों के दो बीच की जो दो लाइन है इसमें लिखी जाती है। ए एन टी, एंट, एंट यानी चींटी। ए आर आर ओ डब्ल्यू, एरो यानी तीर। इसी तरह हम बी का कैपिटल लेटर पढ़ेंगे। बी ए एल एल, बॉल, बॉल यानी गेंद। बी ओ वाई, बॉय, बॉय यानी लड़का। अब हम स्मॉल लेटर बी की वर्तनी पढ़ेंगे। बी यू एस, बस, बस यानी बस। बी ए जी, बैग यानी बस्ता। इसी प्रकार हम कैपिटल लेटर सी की स्पेलिंग पढ़ेंगे। सी ए टी, कैट, कैट यानी बिल्ली। सी ओ सी के, कॉक यानी मुर्गा। इस प्रकार अब स्मॉल लेटर सी का हम स्पेलिंग पढ़ेंगे। सी ए आर, कार यानी कार। सी ओ ए टी, कोट यानी अचकल। अब हम कैपिटल लेटर डी की स्पेलिंग पढ़ेंगे। डी ओ जी, डॉग यानी कुत्ता। डी ओ एन के ई वाई, डंकी यानी गधा। इस प्रकार स्मॉल लेटर डी की स्पेलिंग पढ़ेंगे। डी ओ ओ आर, डोर यानी दरवाजा। डी ई एस के, डेस्क यानी मेज। इसी तरह हम ई की कैपिटल लेटर पढ़ेंगे। ई वाई ई, आई यानी आंख। ई एन जी आई एन ई, एंजिन, एंजिन यानी इंजन। इसी तरह स्मॉल लेटर की स्पेलिंग पढ़ेंगे। ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। ई ए जी एल ई, ईगल यानी बाज। अभी हमने जो भी सीखा है उसका रिवीजन करेंगे। हमारे सामने एक तरफ चित्र है और दूसरी तरफ मीनिंग लिखी हुई है। हमें चित्रों को सही मीनिंग के साथ एक रेखा खींचकर मिलान करना है। हमारे सामने सबसे पहले बॉल का चित्र है, उसकी मीनिंग चौथे नंबर पर है, इसे हम इस रेखा से मिलान करते हैं। इसी तरह दूसरा चित्र हाथी का है और उसकी मीनिंग एलिफेंट है जो सबसे नीचे है, इससे भी हमने एक लाइन खींचकर मिलान कर दिया है। अब बारी है तीसरा चित्र, गाय, इसकी मीनिंग काऊ जो सबसे ऊपर है उसके साथ जोड़ते हैं। चौथे नंबर पर लड़के का चित्र है, उसकी मीनिंग बॉय जो कि दूसरे नंबर पर है। अब सबसे अंतिम चित्र कुल्हाड़ी है, इसकी मीनिंग एक्स जो कि तीसरे नंबर पर है, उसे भी हमें एक रेखा खींचकर जोड़ दिया है। इसी प्रकार सभी बच्चों को इसका घर पर लिखकर अभ्यास करना है। इसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।